और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, राम जन्मभूमि परिसर में एटीएस ने कमान संभाल ली है, वहां पर सतर्कता बढ़ गई है। गोरखनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की घटना के बाद से अयोध्या में अलर्ट है और अयोध्या में इस समय रामनवमी का मेला चल रहा है और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और इसी वजह से अब देखिए अयोध्या में अलर्ट हो गया है। एक तो रामनवमी का मौका, रामनवमी का मेला चल रहा है, इसको देखते हुए भी सतर्कता बरती जा रही है। दूसरी तरफ गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में हमला और इस हमले के बाद से अब अयोध्या में सख्ती बढ़ा दी गई है। अयोध्या में अलर्ट जारी किया गया है, राम जन्मभूमि में एटीएस ने कमान संभाल ली है और पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की घटना के बाद अयोध्या में अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर से जिस तरीके की घटना सामने आई है, कई संकेत और कई अब तक सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर। कनेक्शन मुर्तजा का खंगाला जा रहा है कि कोई संगठन जिससे वो जुड़ा तो नहीं है, टेरर एंगल से पूरे इस मामले को खंगाला जा रहा है, इस पर जांच बिठा दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ अब अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एटीएस पूरी कमान संभाल रही है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार लगाया है। इससे पहले भी गोरखनाथ मंदिर में जब वो रात्रि विश्राम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो सुबह लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं जनता दरबार के जरिए। और फिर वही बात सामने आ रही है, क्योंकि वो गोरखपुर में ही है, उन्होंने वहां पर जनता दरबार लगाया है। कल शाम से गोरखपुर में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज सुबह वहां पर जनता दरबार लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है, के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। ये देखिए आप तस्वीर आपके स्क्रीन पर, ये गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार की आप तस्वीरें देख रहे हैं। महिलाएं भी वहां पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंची हैं, अपने समस्याओं से जुड़े कागज आवेदन उन्होंने मुख्यमंत्री को दिए हैं और मुख्यमंत्री ने उन्हें पढ़कर उन्हें समझकर अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए हैं। गोरखनाथ मंदिर में एक बार फिर से जनता दरबार मुख्यमंत्री का। देखिए लगातार आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही मौजूद हैं। गोरखनाथ मंदिर पर जिस तरीके का हमला किया गया, जवानों पर हमला किया गया, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री की नजर है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग भी की थी और गोरखपुर में जब मौजूद हैं तो वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। जनता दरबार जो कि लगातार मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर में मौजूद होते हैं इस तरीके से वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और लोग भी पहुंचते हैं क्योंकि सीधे मुखिया से मिलने का मौका मिलता है, मुखिया के सामने वो अपनी समस्याओं को रख पाते हैं और अधिकारियों को निर्देशित मुख्यमंत्री करते हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो सके। यहां पर जो लोग पहुंचते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा, 100% होगा, इसका भरोसा मिलता है। इसी भरोसे की वजह से वो सामने होते हैं सीएम के, वो जाते हैं, आवेदन देते हैं लिखित में और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देशन मुख्यमंत्री अधिकारियों को देते हैं।